मेरी हायर सेकेंडरी स्कूल। आज हम लोग डेटा हैंडलिंग करने वाले हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये देखिए, दिस इज एक्सरसाइज नंबर 4.1। इसमें क्या लिखा है कि जो फॉलोइंग जो हम लोग का ये पिक्टोग्राम है, इसके अलावा इसके अकॉर्डिंग हमें डिफरेंट टाइप के जो केक्स है उनको फाइंड करना है कि कितने केक्स है। फॉलोइंग पिक्टोग्राम शोइंग द नंबर ऑफ डिफरेंट केक्स मेड बाय द मिस्टर सिंह इज हिज बेकरी शॉप इन अ डे। एक दिन में कितने बेकरी शॉप में केक बनाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे चॉकलेट केक्स है, चीज़ है, पाइनएप्पल केक है एंड बटर स्कॉच है। अब यहाँ पे हम लोग को एक हिंट है, वन केक इक्वल्स टू 8 केक। जहाँ पे वन केक ड्रॉ किया हुआ है, ये जैसे यहाँ पे वन केक अगर ड्रॉ किया है दैट मीन्स 8 केक है। एंड अगर कहीं पे हाफ केक ड्रॉ किया है, ये देखिए हाफ दिख रहा है, दैट मीन्स 4 केक है। अब यहाँ पे कितने केक है, 1, 2, 3 एंड 4, है ना, 4 केक है। तो 1 केक इक्वल टू 8, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 8, है ना। और उसमें हम प्लस क्या करेंगे, 4, क्योंकि 1 केक कितने बराबर है, 4 केक के 1.5 जो है वो 4 केक के बराबर है, है ना। देन चीज़ केक कितने हैं यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, है ना, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 8। देन पाइनएप्पल केक 2 मल्टीप्लाई बाय 8। देन बटर स्कॉच 2 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 4, डन। ये हम लोग इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में सम्स हैं, है ना। ये देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, रीड द पिक्टोग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस पिक्टोग्राम को पढ़ के हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देना है। हाउ मेनी चॉकलेट केक डिड ही मेक, उन्होंने चॉकलेट केक में कितने बनाए हैं। तो ये देखिए, वेयर इज चॉकलेट केक, हियर इज चॉकलेट केक, है ना, 1, 2, 3, 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 फोर ज़ा प्लस 4, है ना। अब यहाँ देखिए, जैसे कि हमने देखा चॉकलेट केक कितने हैं, 4, 8 ज़ा कितना हो गया, 32 प्लस 4, दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास में चॉकलेट केक कितने हैं, 36, है ना। उसके बाद में चीज़ केक, हाउ मेनी चीज़ केक आर देयर, 40। देन पाइनएप्पल केक इज 16 एंड बटर स्कॉच केक्स इज 16 प्लस 4, दैट मीन्स 20, है ना। अब यहाँ पे हम लोग को इसी क्वेश्चंस के आंसर देना है, हाउ मेनी चीज़ केक्स डिड ही मेक, 40। विच केक डिड ही मेक इन मैक्सिमम नंबर, सबसे ज़्यादा केक कौन से हैं, चीज़ केक, है ना, क्योंकि ये देखिए 40 है। देन विच केक डिड ही मेक, मैक्सिमम नंबर इज चीज़ केक, एंड विच केक डिड ही मेक इन लीस्ट नंबर, सबसे कम कौन से, पाइनएप्पल केक, है ना, पाइनएप्पल केक कितने हैं, ओनली 16। हाउ मेनी केक शुड बी ड्रॉन टू द शोन इन 72, है ना, इसके अंदर जो 72 केक है उसमें कितने ड्रॉ बने, कितने ड्रॉ हैं केक, ये देखिए, इन सबको मिला के इनका टोटल कितना होगा, यहाँ पर होगा 72। अब इनको काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, है ना, तो ये यहाँ पे हो गया। देन विच केक हैज़ बीन मेड 20 नंबर, कौन से केक है जो 20 है, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए, विच केक इज दिस, बटर स्कॉच, तो यहाँ पे हमने लिखा बटर स्कॉच। अब ऐसे ही हमारे पास में एक और पिक्टोग्राम है, इसमें देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द फॉलोइंग पिक्टोग्राम शोज द इन्फॉर्मेशन अबाउट द नंबर, अबाउट द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन सेंटीमीटर इन अ सिटी इन 5 मंथ ऑफ अ ईयर, है ना, 5 मंथ में एक सिटी में कितनी रेनफॉल हुई। मई में देखिए 1 क्लाउड बना है। अब 1 क्लाउड मीन्स क्या है यहाँ पे, 1 क्लाउड मीन्स 10 सेंटीमीटर रेन, एंड हाफ क्लाउड दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर। तो मई में कितनी रेनफॉल हुई है यहाँ पे, 10 सेंटीमीटर। जून में कितनी हुई है, 10, 10, 10, 10, 40 प्लस 5, 45 सेंटीमीटर हो गया। देन जुलाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, दैट मीन्स यहाँ पे कितनी रेनफॉल हुई है, 70 सेंटीमीटर। अगस्त में 1, 2, 3, 4, 5, 50 सेंटीमीटर। देन सेप्टेम्बर में 1, 2 एंड हाफ, दैट मीन्स 25 सेंटीमीटर रेनफॉल हुई है। अब यहाँ पे इन क्वेश्चंस के आंसर देने, हाउ मच डिड
इट रेन इन अगस्त, अगस्त में कितनी रेनफॉल हुई है? 50 सेंटीमीटर. हाउ मच डिड इट रेन इन जून, जून में कितनी रेनफॉल हुई है? 45. विच मंथ हैड मैक्सिमम रेन, सबसे ज़्यादा रेन किस मंथ में हुई है? यहाँ देखिए 70 किस में है? जुलाई, ये हमने लिखा है जुलाई. विच मंथ हैड द लीस्ट रेन, सबसे कम रेन कौन से मंथ में हुई है? यहाँ पे देखिए 25 और यहाँ पे 10 है ओनली, ये कौन से मंथ में है? मई में. हाउ मच डिड इट रेन इन गिवन 5 मंथ्स, टोटल रेनफॉल कितनी हुई 5 मंथ्स में? तो इन सब का हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे, तो यहाँ पे आएगा आंसर 200 सेंटीमीटर, है ना. ये ऐसे ही हमें सारे पिक्टोग्राम्स करने हैं. अब इसके आगे एक और इंटरेस्टिंग पार्ट है, अब वो पार्ट आएगा एक्सरसाइज नंबर 4.2 में. इसमें देखिए यहाँ पे अलग अलग लाइंस ड्रॉ दिख रही है ना, कुछ समझ में आ रहा है? तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ. ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, है ना, ऐसे 4 लाइन ड्रॉ है, 1 2 3 4, और एक लाइन ऐसे ड्रॉ, इसका मीनिंग है 5. अगर मुझे यहाँ पे 25 लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगी इसे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया 5 प्लस 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितना हो गया? 20. 1 2 3 4 5, 5 5 5 5 5, ये क्या हो गया? 25. अब 22 लिखना है मुझे, तो मैं कैसे लिखूँगी? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2, है ना. ये ऐसे पिक्टोग्राम की लाइंस हम लोग ड्रॉ करते हैं. अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ये लिखा है द टेबल बिलो शो द नंबर ऑफ बुक्स बोर्ड बाय द स्टूडेंट्स फ्रॉम द लाइब्रेरी इन अ वीक, फिल इन द नंबर्स ऑफ स्टूडेंट इन ब्लैंक, है ना. यहाँ पे स्टोरी बुक लिए बच्चों ने लाइब्रेरी से, कितनी बुक्स लिए तीनों ने इस लैंग्वेज में लिखा है. स्टोरी बुक्स कितनी लिए, ये देखिए 5 प्लस 5 10 15 20 25 26 27, तो यहाँ पे लिखा मैंने 27. देन मैथ्स की बुक कितनी ली है, 5 प्लस 5 10 11 एंड 12. देन ई वी एस 5 5 10 15 20 25 30 35 36 37 38 39, ये यहाँ हो गया 39. देन इंग्लिश बुक 5 एंड 5 10 15 20 21 22 23, एंड आर्ट एंड क्राफ्ट बुक 1 2 एंड 3. यहाँ पे हमें सिर्फ नंबर लिखना है. अब यहाँ देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ केक 1 एंड 2, ये देखिए 2 लिखा है. देन यहाँ पे 2 स्टैंडिंग लाइन बनी है, इसके मार्क्स को टैली किया है. देन यहाँ पे कितना है? 1 2 3 4 5, 5 देखिए मैंने 5 आपको पहले ड्रॉ करना बताया था, 1 2 3 एंड 1 2 3 4 एंड 5, को से स्लैंट लाइन हमने ड्रॉ कर दी. देन 3 के लिए 3 स्टैंडिंग लाइन, 7 ये यहाँ पे लिखा है, 7 5 एंड 2 7, ऐसे ही 6 हमें ड्रॉ करना है ना. ये हो गई हमारी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट, है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ईजी एक्सरसाइज. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, नमस्ते, बाय एवरीवन.